हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड तक मैथ्स में पढ़ा है हमने। आज हम एट स्टैंडर्ड का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। एट स्टैंडर्ड में मैथ्स में हमने हमारी जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक आती है वो ही हमें यूज करनी है और कोई बुक यूज नहीं करनी है। गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक ये जो है हमारी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास एट, ये ही हमें यूज करनी है। हमें वर्क बुक या तो प्रैक्टिस वर्क को कुछ यूज करना नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक ही यूज करनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर वन से। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर वन है हमारा रैशनल नंबर्स। सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर वन, स्टैंडर्ड एट। चैप्टर नंबर वन में हमारा रैशनल नंबर्स। अब नंबर सिस्टम क्या है ये हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, तो नंबर्स क्या है वो हमें पता है, ठीक है। तो नंबर्स में पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर सेट्स हम बनाते हैं ना नंबर में। तो पहला कौन सा नंबर सेट आता है, देखो हमने जब लिखना स्टार्ट किया था जब आप बहुत छोटे थे, स्टैंडर्ड जूनियर केजी सीनियर केजी में थे आप, ठीक है, तब आपने नंबर्स लिखना स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, वन से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, वन, उसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सो ऐसे हम चलते जाते थे, ठीक है। तो ये सारे हम जो होते हैं उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इसे हम, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नंबर्स हम लिखते हैं, ठीक है, वन से स्टार्ट करके फोर चले ही जाते हैं अप टू 100, 200, 1000, 2000, कंटिन्यू ऐसे चलता है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो सारे नंबर्स हैं उसे एक तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके लिए दूसरा नाम है नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसका दूसरा नाम है नेचुरल नंबर्स, उसे आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो और नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। तो उसी का ये दूसरा नाम है नेचुरल नंबर्स। ये हमारा पहला नंबर सेट बना पॉजिटिव इंटीजर्स या तो नेचुरल नंबर्स, तो उसे हम एक सेट में लिखते हैं। हमें पता है कि सेट हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ऑलवेज कोई भी सेट हम बनाते हैं उसे हम कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट इसे हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट और इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो जो भी हम शेप बनाते हैं ना वो शेप ऑलवेज हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखो तो हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। देखो नेचुरल नंबर या तो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो, उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सो चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सेट्स में फर्स्ट सेट हो गया पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा जो हमारा आता है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स ये जो नेचुरल नंबर्स है उसमें से होल नंबर हमें लिखना है, तो हमें सिर्फ एक ही नंबर ऐड करना होगा जीरो। सारे नेचुरल नंबर उसमें आप जीरो ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। सेट बना के हम तो जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सो। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, जीरो उसके बाद सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होगा हमारा होल नंबर्स। अब हम तीसरा लिखे, तीसरा हम बोलते हैं इंटीजर्स। तीसरा जो नंबर सेट है उसका नाम क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में देखो हम स्टेप वाइज जैसे ही हम अलग अलग सेट्स लिखते जाएंगे ना उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंक्लूड होता जाएगा, कुछ भी उसमें से कट नहीं हो, ठीक है। जैसे कि हम नेचुरल नंबर में से होल नंबर में आए तो क्या जीरो इंक्लूड एड हो, ठीक है। होल नंबर में से इंटीजर्स में आते हैं तो इसमें कुछ एड होगा, कुछ भी कट नहीं होगा, जो होगा वो क्या करना है हमें कुछ एड करना है। अब नेगेटिव नंबर्स क्या है ये सब, ये तो आप सबको पता है। नेगेटिव नंबर्स हम ऐसे लिखते हैं ना, -1, -2, -3,
तो ये जो होल नंबर्स है उसके साथ हमें नेगेटिव नंबर्स मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करने हैं, तो वो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स, उसे हम बोलेंगे सिंपली इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दो टाइप के होंगे, ये सारे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, वो क्या हो गया हमारा? नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में इंक्लूड होगा एक तो जीरो, होल नंबर तो सारे हो गए नहीं, तो वो मैं पहले लिख देती हूँ, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गए होल नंबर। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमें पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स जीरो से हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसे करें, ये पहले जीरो के बाद लास्ट क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इनफाइनाइट होते हैं ना, वैसे ही नेगेटिव इंटीजर्स भी अप टू इनफाइनाइट हो गए। दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम इनफाइनाइट नेगेटिव टू -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव, ये हो गया हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब आ गया नंबर से फोर, नंबर से फोर जिसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। अब हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का जो सेट है, मैंने आपको पहले भी बोला कि आप जैसे ही सेट में नीचे आते जाओगे उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, कुछ भी कट नहीं होगा। दैट मीन्स कि इंटीजर्स में से हम रैशनल नंबर लिखते हैं, तो ये सारे इंटीजर्स तो आएंगे ही, बट और कुछ नंबर्स ऐड हो जिसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के जो सारे नंबर्स होते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब कि अगर मैं लिखूं 3/2 तो हो गया p की जगह पे मैंने क्या लिखा? 3 लिखा, और q की जगह पे क्या लिखा? 2 लिखा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो ऐसे p अपॉन q फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो देखो आप ये जो सारे नंबर है ना उसे भी आप रैशनल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि पता है हमने 7th स्टैंडर्ड में लिखे थे कि 5 = 5/1, ये मैं लिख सकती हूँ। हाँ मैं लिख सकती हूँ, 5 की जगह पे मैं 5/1 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर के डेनोमिनेटर में अगर आप 1 लिखो तो वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 5 की जगह पे मैं 5/1 लिख सकती हूँ। तो देखो ये हो गया p / q फॉर्म, हो गया ना, p की जगह पे 5 है और q की जगह पे 1 है। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स या तो नेगेटिव इंटीजर्स या तो जीरो है उन सबको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, वो सारे ही रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे में हमें कुछ ये नंबर्स नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ कौन सा सेट होता है वो लिख रही हूँ। नंबर्स को p अपॉन q फॉर्म वेयर q शुड नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 7th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर के डेनोमिनेटर में जब जीरो होता है उसका मतलब कि वो इनडिफाइनाइट है, मतलब कि अभी वो डिफाइन नहीं हुआ। सपोज कि मैंने लिखा यहाँ पे 3/0, तो इस नंबर की वैल्यू क्या है वो अभी तक किसी ने फाइंड ही नहीं किया है, फाइंड हुआ ही नहीं, इस नंबर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो किसी का भी डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे? तो कि नंबर्स ऑफ p / q फॉर्म, बट q शुड नॉट बी जीरो, मतलब कि डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा और कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। तो हमारे 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें हमें ये 4 टाइप के नंबर्स हमें देखने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स या तो आप उसे बोल सकते हो नेचुरल नंबर्स, दूसरा है होल नंबर्स, थर्ड है इंटीजर्स, फोर्थ है रैशनल नंबर, इसके बाद भी आता है बट वो आपके 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में अभी इंक्लूड नहीं है। तो 8th स्टैंडर्ड में हम जो भी मैथ्स में देखेंगे वो सब कुछ रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये रैशनल नंबर क्या है वो हमें पता
उसका एडिशन करो तो क्या आपको रिजल्ट मिलता है, उसका सब्ट्रैक्शन करो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर और नंबर्स तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है वो हमें देखना है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स क्या है वो हमें पता चल गया, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो मैं अभी भी बोर्ड पे जो भी लिख रही हूँ वो आपको अपनी बुक में लिखना है ना, A4 साइज के पेज की बुक लेनी है ऑफ 200 पेजेस एंड वो सब आपको चैप्टर वाइज डेट वाइज बुक में लिखना है। आज की डेट 23rd जून डाल के चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर डाल के मैंने जो भी लिखा है वो बुक में लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें वॉल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, तो हम सबकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज, फिर हम देखेंगे वॉल नंबर की प्रॉपर्टीज, उसके बाद देखेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। माइनस 11
है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ रखे, तो इसके हिसाब से 0 माइनस 11 करो तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस 11। अब आप अपने आगे हमने जो चार नंबर सेट्स लिखे थे उसमें एक बार देख लो कि माइनस 11 है वो होल नंबर में आता है नहीं आता, वो किसमें आता है, इंटीजर्स। मतलब कि अगर मैंने दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया तो रिजल्ट मुझे होल नंबर नहीं मिलता, मतलब कि वो इंटीजर मिला या तो कोई भी अंक मिले, होल नंबर के अलावा कुछ मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो होल नंबर के अलावा कुछ और मिल रहा है, होल नंबर मिले तो ही वो क्लोज, दैट मीन्स रिजल्ट इज कि होल नंबर्स आर whole numbers are not closed under subtraction. Whole numbers are not closed under subtraction, क्योंकि दो whole number का अगर मैं subtraction करूं तो result मुझे whole number नहीं मिलता। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि होल नंबर ना ही मिले, देखो यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो कई बार मिलेगा कई बार नहीं मिलेगा, हर बार अगर मिलता है तो ही वो क्लोज्ड है, अदरवाइज नहीं। अब सबको समझ में, ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स, अगर हम देखेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है या नहीं। थर्ड ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो देखो कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो होल नंबर आप ले सकते हो, सपोज कि मैंने लिया 12 एंड 2, तो 12 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन 12 का टेबल 12 2 24, ठीक है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेती हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7 3 21, ठीक है। और एक एग्जांपल लेती हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 4 32, तो आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक होल नंबर ही है, ठीक है। अगर मैं 0 लेती हूँ, सपोज कि 5 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर क्या मिला, 0, तो 0 भी एक होल नंबर ही है ना। दैट मीन्स आप कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है ना वो भी एक होल नंबर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर है वो कोई एक होल नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर सबको समझ में, ठीक है, आपको यहाँ पे जो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है वो दोनों नंबर होल नंबर ही होने चाहिए, यहाँ पे आप होल नंबर की जगह अगर इंटीजर नेगेटिव इंटीजर हो तो आंसर चेंज हो जाएगा। हम जब प्रॉपर्टी होल नंबर की ही चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें होल नंबर ही लेने हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो हो गया, अब हम देखेंगे डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ टू होल नंबर। अगर मैं लिखूं कि 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो डिवीजन तो आपको आता है 12 डिवाइड बाई 3 करो तो 3 4 12 होगा, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। इसके अलावा मैं कोई और ले रही हूँ, देखो मैं ले रही हूँ 10 डिवाइड बाई 3, तो डिवीजन करो 10 डिवाइड बाई 3, 3 के टेबल में 3 3 9, 10 माइनस 9 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इज रिमाइंडर। तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, मिक्स इंटीजर में लिखूंगी ना, कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 3, मैं इसे कैसे लिखूंगी, मिक्स इंटीजर में 3, हाँ आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो आपको दिख रहा है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 3 मिक्स इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है, मतलब कि आप दो होल नंबर का डिवीजन करो तो ऑलवेज आपको आंसर को एक होल नंबर ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी आपको होल नंबर मिल सकता है तो कभी नहीं भी मिल सकता, ठीक है। तो अगर आपको हर बार आंसर होल नंबर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, हर बार आंसर होल नंबर मिले तो ही वो क्लोज्ड अंडर डिवीजन है, अदरवाइज
आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन कोई भी दो होल नंबर का डिवीजन करो तो आंसर ऑलवेज होल नंबर बी, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट मींस दे आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद हम आएंगे इंटीजर्स पे। होल नंबर्स के बाद हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी दो नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, मैं एडिशन कर रही हूँ, माइनस थ्री प्लस फाइव। एक मैंने नेगेटिव नंबर लिया है, एक मैंने पॉजिटिव नंबर लिया है। आप कैसे लिखते हो इसे? माइनस थ्री प्लस फाइव लिखते हैं इसे। ठीक है, हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा है कि अगर एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो दोनों का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, मतलब कि हम 5 में से 3 माइनस करेंगे। 5 में से 3 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? 2। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन किसकी आएगी? ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर कौन है? 5। उसकी साइन पॉजिटिव है, दैट मींस 2 क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर साइन आगे साइन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, एडिशन मुझे करना है दो नंबर का। दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये माइनस 7 प्लस, यहाँ पे मैं ले रही हूँ माइनस 11। ठीक है, मैंने दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए, आप यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं पहले ब्रैकेट ओपन करूंगी ना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है तो मुझे कोई भी एक साइन लिखनी पड़ेगी। साइन हम कैसे करते हैं? प्लस, प्लस का आंसर क्या होगा? प्लस। प्लस माइनस का आंसर क्या होगा? माइनस। माइनस प्लस का आंसर क्या होगा? माइनस। और माइनस माइनस का आंसर क्या होगा? प्लस। तो इसके हिसाब से हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस एक ही है तो वो माइनस 7 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 11। ठीक है, तो माइनस 7 माइनस 11 दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन क्या है? सेम है, तो दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। 11 में 7 ऐड करो तो क्या मिलता है? 18 मिलता है। अब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर कौन है? 11। उसकी साइन नेगेटिव है तो 18 भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपने दोनों मैंने दो अलग अलग किए, दोनों का आंसर आपने देखा कि आपको इंटीजर ही मिल रहा है। पहले का आंसर है पॉजिटिव, दूसरे का आंसर है नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स में तो इंक्लूड होते ही है। दैट मीन्स कि आप कोई भी दो इंटीजर्स का एडिशन करो तो आंसर आपको ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, ना ही तो आपको रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा। दैट मीन्स कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो गया, अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। कोई भी दो इंटीजर में लिख रही हूँ, सपोज कि 25 माइनस 25 मैंने लिखा, अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, दैट मीन्स कि बीच में कौन सी साइन आएगी? माइनस। 25 माइनस 20, एक नेगेटिव लिया एक पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब साइन चेंज करो तो क्या आएगा इसमें? माइनस 25 माइनस 20, तो दोनों की साइन सेम है तो क्या होगा? एडिशन। तो 25 प्लस 20 क्या होता है? 45 होता है। अब साइन ऑफ ग्रेटर नंबर नेगेटिव तो माइनस 45। अब सब्ट्रैक्शन में कर रही हूँ अलग तरीके से, 20 माइनस माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 3 आंसर क्या मिला? 23। तो यहाँ पे मुझे मिला माइनस 45, यहाँ पे मिला प्लस 23। दोनों ही इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। हमने जो चार सेट्स लिखे हैं उसमें देखते जाओ इंटीजर्स में कौन सा इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो इंटीजर में आएगा। दैट मीन्स कि आप कोई भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करो तो
integers are closed under subtraction. ये होगा. अब हमारे दो ऑपरेशन बाकी है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज हम यहाँ तक रखते हैं.